अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने वाली हूँ, अचारी बैंगन। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लीजिए। नमक, सूखा धनिया, कुटी हुई मिर्च, हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च। यहाँ मैंने थोड़ा सा अचार मसाला लिया है जो कि मैं बिल्कुल आखिर में शामिल करूँगी। हरी मिर्च को मैंने मोटा मोटा काट लिया है, टमाटर को मैंने रफली चॉप कर लिया है और प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया है और बैंगन हमारे फ्राई हो रहे हैं। आलू और बैंगन को मैं सिर्फ कलर चेंज करने के लिए फ्राई कर लूँगी। बैंगन को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है और देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। और दूसरी तरफ मैंने प्याज को लेफ्टेड तेल में फ्राई करने के लिए रख दिया है। इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, फिर इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। प्याज मेरा यहाँ फ्राई हो चुका है, इसको मैं ब्राउन नहीं करूँगी, बस हल्का सा शैलो फ्राई ही किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर और हरी मिर्च। इसके साथ ही मैं इसमें मसाले भी ऐड करें। टमाटरों को सॉफ्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए ढकूंगी, फिर इसमें बैंगन ऐड कर देंगे। टमाटर देखें नरम पड़ चुके हैं और एक मसाला सा तैयार हो गया है। अब मैं इसमें आलू और बैंगन जो कि मैंने फ्राई किए हुए थे पहले से ही, वो शामिल कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसे 5 से 7 मिनट के लिए कुक करूँगी क्योंकि पहले से ही हमारे आलू और बैंगन फ्राई हैं, तो उतारने से पहले इसमें अचार मसाला ऐड करेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, बैंगन हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इसमें अचार का मसाला शामिल कर रही हूँ और इसको मिक्स कर लूँगी। बस हम इसे पकाएंगे नहीं, मैं इसे अब डिश आउट कर लूँगी। अचारी बैंगन तैयार हैं और गार्निशिंग के लिए मैंने इस पर हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।